स्वागत बंदन। आज हम शेमुशी द्वितीय भागा दशम वर्गाया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है पाठ का सप्तम। सौहार्दम प्रकृति शोभा, सद्भाव ही प्रकृति की शोभा, सद्भाव प्रकृति की शोभा है। ये संवादात्मक है और इस प्रकार मैंने आपको इसका जो भाग है, पहला भाग मैं आपको पढ़ाया था प्रकृति के अंतर्गत, ठीक है। आज हम उसी को और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। गजरतम वृक्ष में स्वसूने आलोड्यु निक्षति परम वानरस्तु पूर्वित्वा अन्यम वृक्ष मारो मारो पति एवं गजम वृक्षात वृक्षम पति धावंतम दृष्टवा सिंह अपि हसति वदति च। सिंह वो गज मामेति वमे बाजु 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 तुदने इति वानर। वानर ने क्या कहा बंदर ने, एतस्मादेव तू कथयामि यदा मेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायम् पराकृणनम् भयंकरम् चापि सह गस्यम् गजम् वा पराजेतुम् समर्था अस्माकम् जाति। अतः वन जन्तूनां रक्षैवमेव क्षमा। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये स्थितः एक बका, अरे माम विहाय तत्मन्य कोऽपि राजा भवितुर्महति अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् विचरः ध्यान मग्ना स्थितप्रज्ञैव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीता सभायां विविध पदं लङ्कुर्वाणै जन्तु विश्वित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि यतः अहमेव वनराज पद प्राप्ते योग्यः। ऐसा उन्होंने कहा, ये संवाद चल रहा। अब शब्दार्थ समझ लेंगे। वहां पर शब्दार्थ है स्व सुनने यानी अपनी सूर से निज करें, आलोड युतुम यानी हिलाना, आंदोल युतुम पूर्णित्व यानी धर से धर कूदना यानी कूद कर पूर्णम कृत्वा वृक्षा वृक्षमति यानी कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर एकतः अपरम वृक्षम। फिर क्या दिया है, मेवा तू दन मुझको भी ऐसे ही क्या किया था, तंग किया था। मम धन अपि धनिकम धन एव धन अतु दल विहाय न छोड़कर तत्वा अविचलन यानी बिना हिले डुले इस तरह स्थित प्रज्ञा निर्णय लेने में दृढ़ ब्रह्म उत्तः निर्मिया यानी बनाकर निर्माण कृत्वा अलम कुर्वाणे विभूषित करने वाले विभूषित विभूषित करें, ठीक है। अनुवाद समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया हाथी गजा माने हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, पर बंदर क्या करता है कूद कर एक दूसरे पेड़ पर क्या करता चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ते हुए देखकर कौन हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है। और क्या और बोलता क्या बोलता है, शेर ने कहा अरे हाथी मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही क्या किया, तंग किया था बंदर, इसलिए ही तो कहता हूं कि मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूं, क्योंकि विशालकाय पराक्रमी भयंकर शेर तथा हाथी को हराने में हमारी जाति सक्षम है, इसलिए जंगल के प्राणियों की रक्षा करने के लिए
एक बंगला। बंगला ने क्या बोला, अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे दूसरा कोई भी राजा हो सकता है, मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यान में मग्न निर्णय लेने में दृढ़ समान स्थित होकर भी कभी, मतलब मैं जब मैं मग्न रहता हूँ और निर्णय लेने में दृढ़ हूँ तो मैं सब समान रूप से सभी की रक्षा का क्या सोचूंगा, उपाय सोचूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में विभिन्न पदों को विभूषित करने वाले प्राणियों के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा अर्थात कार्य करूंगा। इसलिए मैं ही क्या हूँ जंगल के राजा के पद को प्राप्त करने के क्या हूँ योग्य हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, यहाँ पर बंगला बोल रहा है। देखिए यहाँ पर सारे जो जानवर हैं वो अपने आप को राजा बनने के योग समझ रहे हैं और बता रहे हैं, संवाद चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आया मयूर, वृक्षों परितः साटक हास पूर्वकम विरम विरम आत्मशालाभ्य किम न जानासी यत् यदि न यसन या स्यानान्य परितः सम पंगमिता तथा प्रजा। तो अकर्ण धारा जलो जलधौ विप्लवेते नौरिम को न जानाति तव ध्यानावस्थां स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह पूर्णतया भक्ष्यसि भित्वा तव कारणात् तुम सर्वं पक्षी कुल मेवा मेवा मानितं जातं बाणरं सगर्वं अते कथयामि यत् अहमे योग्यः वन राजपदाय शीघ्रमेव मम राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। मयूर अरे वानरः तूष्णी भव कथम त्वम् योग्यः वन राजपदाय पश्यतु पश्यतु मम तिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयत्या विधात्रा एवाहं पक्षीराज्यः कृतः अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपे रूपे आणी दुष्टं सज्जा भवन्तु अधुना यत् कथं भो अप्यन्यः विधातुं निर्णयं अन्यथा कर्तुं क्षमा। अब यहाँ का कहुआ क्या, सब व्यं व्यं यम अरे अहि भो वृत्याति रिक्तं ता तव विशेषता युक्तं भजराज पदाय योग्यं मन्यामहे वयं मयूरा यत् यथा मम नृत्यं तु प्रकृते आराधना पश्य पश्य मम दीक्षाना दीक्षाना पूर्व सौंदर्यं दीक्षाना तु घटाय नृत्य मुद्राय स्थान बता रहे कि हमारे अंदर क्या क्या है। ना तो अभी त्रिलोक के मस्त दशा सुंदर वन्य जंतु नुपरी आक्रमणं कर्तारं तु अहम स्व सौंदर्य नृत्य चाकर्षित यदि न पति सम्यक नेता न स्यात् तथा प्रज्ञा प्रजा गर्भो अकर्ण धारणो एव विप्लवे लवे वेते शब्द। अब यहाँ देखिए उपरितम यानी ऊपर से ऊपरी भाग तट्टाहास पूर्वकम यानी ठहाका मारते हुए अट्टाहा से सहिता आदिशालाग्य अपनी प्रशंसा से निज प्रशंसाया अकर्ण धारा बिना नाव की नाविकम बिना नव नाव नव का जलगम समुद्र में समुद्र विप्लवे ते डूब सकती है विप्लवे यह इत्र इनमें जेत वशी हुए एक घन समान समम त्यागे बहाने से छले वरातान विचारी दिनार अधिग्रह पकड़कर वित्वा तूष्णी चुप मौन सिरसी सिर पर मस्तके विधात्रा विधाता के द्वारा सज्जा तैयार कपड़ा तत्परा
अधुना इदानीं यतो क्योंकि यतो हि अन्य प्रकार अन्यथा कर्तुं बदलने में परिवर्तनं कर्तुं अहि भुक् सर्वभक्षी अहि भक्षिका मन्यामहे माने स्व कुर्मः पिक्षानां पंथोपा पक्षिणः मोर पेट के ऊपर से ढाका मारते हुए रुको रुको अपनी प्रशंसा से क्या नहीं जानते हो कि यदि राजा अच्छा नेतृत्व करता नहीं होता तो उसकी प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव के समान क्या हो सकती डूब सकती है कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को इसके इस बहाने से बेचारी मछलियों को पकड़कर पूर्णता से खाती हो तुम्हें धिकार है तुम्हारे कारण से तो समस्त पक्षी समूह अपमानित हुआ है बंदर ने क्या बोला बड़ा गर्व है घमंड के साथ इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही क्या हूँ रणवन के राजा के पद के योग्य हूँ जल्दी ही मेरे इस चीज की राज्याभिषेक के लिए सभी बन के प्राणी क्या हो जाए तैयार हो जाए मोर ने कहा रे बंदर चुप रहो तुम जंगल के राजा के पद के योग्य कैसे हो सकते हो देखो देखो मेरे सिर पर क्या राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधाता के द्वारा ही मैंने पक्षी राज बनाया गया हूँ इसलिए मैं जंगल में रहते हुए मुझे जंगल के राजा के रूप में ही देखने के लिए अब क्या हो जाता है क्योंकि कैसे कोई दूसरा विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ हो सकता है कौवा ने क्या बोला व्यंग पूर्वक अरे सर्वभक्षी नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम्हें हम जंगल के राजा के पद के योग्य माने वो क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है देखो देखो मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता पंखों को फैलाने फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर तीनों लोगों में मेरे समान सुंदर कोई नहीं है वन के प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके वन से क्या कर लेता हूँ बाहर कर दूंगा इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ बनने लायक हूँ एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकयो अपि नदीजलं पातुम् आगतौ एतं विवादं श्रुणुतः वदतः च व्याघ्र चित्रकौ अरे किं वानराज पदाय सुपात्रं चीयते एतदर्थं तु आवामेन योगौ यस्य कस्यापि जनं कुर्वन्तु सर्व मम मत्या से खुशी भव भो युवामपि मत्सदृशौ भक्षितौ नातुरशिरौ एते वन्य जीवा भक्षिकं रक्षकं पदयोग्यं न मन्यते अतेव विचार विमर्श प्रति बक सर्वथा समग्रयुक्तं सिंह महोदयेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं परम् अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजति निश्चय ते तव्यम् अत्र तु मनुष्य संश्लेष शेष्यामि अवकाश में नास्ति ऐसा उसने कहा सर्वे कक्षण उच्च झूठ बोले आम आम कश्य तब एव महाराज भविष्यति शब्द चित्र चीता व्याघ्र चीयते चयन हो रहा है चयन होती एदार्थम इसके लिए एतदनिमित्तं समन्वयता सभी की सहमति से सर्वेषां मतानुसारे तुष्णीं जो मौनं समयुक्तं बिल्कुल सही रहा है उच्चतम मुक्तवान अधुना अब इदानीं राजेति राजा हो गए राजा इति संशय संचलेति वेशस्य जरा से भी संदेहि जरा से भी संदेहि संदेह मात्रस्य अवकाश अवसर मुंजाय अवसर इस समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए और इस विवाद को सुनकर क्या बोलते बाघ और चीता अरे क्या जंगल के राजा के पद के लिए सुपात्र का चयन हुआ इसके लिए तो हम दोनों क्या योग्य हैं जिस किसी का भी सभी की सहमति से चयन कीजिए शेर अरे चुप रहो तुम दोनों ही मेरे समान ही भक्षक हो ना कि रक्षक बन के जीव भक्षक को रक्षक करके योग्य नहीं मानते इसके विचार विमर्श कर रहा है बगुला शेर महोदय ने बिल्कुल सही कहा वास्तव में ही शेर ने बहुत समय तक शासन किया परंतु वह कोई भी पक्षी तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि
निश्चय किया जाए फिर तो जरा से भी संदेह कामसा गुंजाइश नहीं है। सभी पक्षी जोर से हाँ हाँ, कोई भी पक्षी ही जंगल का राजा होगा। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर सौहार्द प्रकृति पाठ के जो अनुवाद हैं उनको समझाया, शब्दार्थों को समझाया। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे और आगे उसमें कक्षा में हम और पढ़ेंगे इसको और समझेंगे। धन्यवाद।